हे नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्नोलॉजी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी मी टीवी में अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो। ये दोस्तों वायरलेस प्रोसेस होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके पास में मी का टीवी नहीं, अगर आपके पास में कोई दूसरा स्मार्ट टीवी है तो उसमें भी ये काम करने वाला है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके टीवी में क्रोमकास्ट होना ज़रूरी है। अगर क्रोमकास्ट नहीं होगा तो ये फीचर दोस्तों काम करेगा नहीं आपके टीवी में। अगर आप बाहर से क्रोमकास्ट का यूज़ करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, आप वायरलेसली जो है अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को जो है वो मिरर कर सकते हो अपने स्मार्ट टीवी में। अब दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट से पड़ती है एक चीज़ की, वो है इंटरनेट की। आपको भी पता होगा किसके लिए इंटरनेट लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो चाहे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास में ब्रॉडबैंड वगैरह है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान यहाँ पर ये देना है कि आपका जो वाईफाई है वो सेम वाईफाई आपके टीवी से भी कनेक्ट होना चाहिए और वही सेम वाईफाई आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी से भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस काम करने वाला है। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है यही सेम वाईफाई मेरा जो है लैपटॉप से भी कनेक्टेड है। अब दोस्तों कैसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो उसके लिए चलता हूँ दोस्तों अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। और यहाँ पे आपको दो स्क्रीन दिखेंगी, एक टीवी की दिखेगी और एक दिखेगी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन साइड में। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे जाके अपने लैपटॉप की स्क्रीन को जो है कास्ट कर रहा हूँ अपने टीवी में, बिल्कुल आसान स्टेप्स में, जस्ट वन क्लिक में आप जो है कास्ट कर पाएंगे। दोस्तों आपके लैपटॉप या फिर आपके डेस्कटॉप में गूगल क्रोम होना चाहिए। वैसे तो आपके सबके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में गूगल क्रोम होता ही है, तो सिर्फ यही लगेगा, एक रिक्वायरमेंट है आपको गूगल क्रोम की। अब जैसे कि दोस्तों गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन का है जहाँ पे आप सेटिंग वगैरह जाते हो यहाँ पे आपको चले जाना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कास्ट का, कास्ट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सोर्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कास्ट टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका गूगल क्रोम जो है वो आपके टीवी पे कास्ट होगा। सेकेंड है कास्ट डेस्कटॉप, कास्ट डेस्कटॉप में मतलब आपका पूरा जो है डेस्कटॉप पूरा कास्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पूरा अपना लैपटॉप जैसे के हिसाब से मिरर करते हो वो चीज़ आपकी यहाँ पे पूरी कास्ट हो जाएगी, मतलब जो आप लैपटॉप में करोगे वो आपको अपनी टीवी में दिखेगा। तीसरा है सिर्फ कास्ट फाइल का, तो यहाँ पे जैसे अगर आप कोई फोटो या फिर कोई वीडियो सिर्फ कास्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे हो पाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कास्ट डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी है जो कि मेरा मी का टीवी है यहाँ पे आया, इसके ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा और शेयर कर देना होगा। अब आप दोस्तों देख सकते हो कि मेरा जो है टीवी में ये अभी ओपन हो जाएगा और ये देख सकते हो दोस्तों कि मेरे टीवी में जो है दोस्तों ये कास्ट हो चुका है। अब अगर आप कुछ भी यहाँ पे ओपन करोगे तो ये डायरेक्टली आपके टीवी में दोस्तों दिखेगा। आप देख सकते हो कि जो है अभी मैंने यहाँ पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह को ओपन किया है तो ये डायरेक्टली मेरे टीवी में दिख रहा है। कोई ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों लैग वगैरह नहीं है क्योंकि ये वायरलेस है, तो थोड़ा बहुत आपको लैग मिलेगा बट काफ़ी कम लैग है, उतना आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरह से आप कास्ट कर पाओगे अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अब दोस्तों अगर आप कुछ भी अपने लैपटॉप में करोगे तो डायरेक्टली जो है आपके टीवी में दिखने वाला है कुछ इस तरह से। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है ये, मैंने भी इसको रिसेंटली यूज़ किया है और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप दोस्तों अब कुछ भी करोगे तो वो आपके जो है टीवी में दिखने वाला है और ये प्रोसेस पूरा वायरलेसली दोस्तों काम कर रहा है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि HDMI के थ्रू कैसे आप जो है अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप से, तो अगर दोस्तों वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि कैसे आप HDMI के थ्रू अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट कर पाओगे अपने मी के टीवी से। और ये दोस्तों ये जो प्रोसेस है काफ़ी लोगों की कमेंट्स आई थी उसमें कि जो है वायरलेसली कैसे कनेक्ट करें, तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो वायरलेसली ढूंढ रहे थे कि कैसे अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट किया जाए अपने मी टीवी के साथ में या फिर किसी स्मार्ट टीवी के साथ में जो दोस्तों क्रोमकास्ट को सपोर्ट करती है, ये पूरा उसमें काम करने वाला है। अगर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बंद करना हो, इस फीचर को आपको नहीं यूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है स्टॉप कास्टिंग पे आपको क्लिक कर देना है और जो है आपका कास्ट देख सकते हो प्रोसेस वो रुक चुका होगा आपके टीवी में। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप जो है काम कर सकते हो स्क्रीन कास्टिंग का। अगर आपको ज़रूरत है अपने लैपटॉप के डिस्प्ले को कास्ट करना या फिर डेस्कटॉप की, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप जो है अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को कास्ट कर पाओ अपने टीवी में, तो दोस्तों इस तरह से आप कास्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चल पाए कि कैसे वो लोग भी अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं अपने टीवी में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हो नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए कुछ ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।